ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਚਨਾਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਚਨਾਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਚਨਾਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਔਰ ਇਹ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਔਰ ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਨਾ ਇਹ ਜੈਲਮ ਈ ਪਤਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਿਊ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਵੱਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਚਨਾਹ ਦਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਰਿਆ ਚਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ 87 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਵੱਲ 4 ਮਿੰਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੂ ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਦਲ ਵੀ ਹਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਲਕੇ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਖੜੇ ਮੇਰੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਆਈ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਵੇਂਦਾ ਪਏ ਔਰ ਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀਤੇ ਸੇ ਔਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕੋ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ गाजी खान की हदूद और पुल को क्रॉस करे सो नाली टूल प्लाजा है और असा इस टाइम इको क्रॉस करने मतलब टूल प्लाजा क्रॉस करे सो और इस टाइम मैं हाली मुल्तान अली हदूद मुजफ्फरगढ़ तो मैं तो लिखे सन गाजी घाट पुल की थोड़ी जी सीनरी व्यू मजा से अच्छा गाजी घाट पुल के उत्ते मछली वगैरह और इतना के आवाम दरिया सिंध पकड़ के फ्राई करके देंदी है मछली भी आवाम खाती है और इन्हें सरों तफरी भी करेंगे और जेड़े पास मैं वेंदा पे पिछू तो कोई गेर नजर आसी अगो कोई पार्किंग का निजाम भी इतना के रहे पिया और गड्डिया भी उसमें पार कर सकते हुए और बड़ा बेहतरीन इतना अच्छा व्यू है अक्सर जो लोग फोर्ट मंडू या क्वेटा या इन पास वेंदे जो ट्रैवल करने तो गाजी घाट पुल के उत्ते जरूर अपना स्टे करने और स्टे करके एक व्यू करें इको देखने की कोशिश करें मजा आते मैं इस टाइम किनारे ते मौजूद हाँ और बैक तो को दरिया गाजी घाट जरा सिंध है सिंध में तो को कश्ती नजर आसी तुसा मतलब कि जरा भी ट्रैवलर आंदे जरा भी सैरो तफरी करने वास्ते आंदे ओ कश्ती रानी भी कर सकते और अक्सर माहीगीर था के मछियां भी पकड़ने और मछियां पकड़ के जरे सारे समय दोस्त इतों गुजरते हैं या जिन्हों को शौक होंगे मच्छी खावन का तो वह दरिया की मच्छी खाते भी हैं और इंजॉय भी करें मेन असा जरा रोड को तले थे हैं और पिछू तो है ना पुल और निकल जाए तो पार्किंग निजाम मतलब अच्छा व्यू है इतने हाँ बह के जरा रेस्ट भी कर सकते वे और लुत्फानंदोज भी थी सकते वे मैं तो जरा अंदर जरा छोटा मोटा पार्किंग निजाम है मैं तो को देखे ना बड़ी VIP पार्किंग है बहुत अच्छा व्यू है माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बैक तो तक दरिया सिंध का व्यू नजर आसी और ये दरिया सिंध असा मैं तो पिछली वीडियो में दिखा चुका कि दरिया चनाह क्रॉस करके बाद गाजी घाट पुल यानी कि दरिया सिंध क्रॉस करे सो वाल डेरा गाजी खां उस बाद पुल मन आ सकते और बड़ा VIP माहौल होंगे इतना के और इतना के अपने समान की हिफाजत आप करे सो क्योंकि इतना के जरा शरारती छोटे छोटे बाल है ना उन्हें को तुम खुद बचो अपना समान इवें कर रखे सो और एक सो छोटी छोटी फ्लावर बना के प्रोडिंग करके तो उसको प्यारा माहौल क्रिएट के देखने हूँ मैं तो लिखे सब बैक व्यू ताकि दरिया सिंध नजर डेगी और इस टाइम माशाल्लाह इन पानी बहु मकदार है उनकी वजह यह भी है क्योंकि बारिशा वगैरह बहुत ही पे ना शायद इस वजह तो भी पेजर तो को पहला पुल नजर आता पे ये सी गैस पाइपलाइन है उस अगर जो है ना वो पानी ये बिल्कुल किनारे के उत्ते है अगर तुम इतना के खाना खुना भी खा सकते अगर चाह के आवे और इन नाल नाल तो सा आपका पार्किंग आपका सुकून माहौल भी खेल सकते और सामने पुल के उत्ते रोड है और जेरे साइड से कैमरा है और सामने उतना के मतलब जूम करके खावा थोड़ी जाना उतना टूल प्लाजा है और टूल प्लाजा के बाद ये पुल क्रॉस करे सो डेरा गाजी खान है पर इस टाइम मैं मुजफ्फरगढ़ और या मुल्तान की हदू दिखा कन्फर्म क्या नहीं लेकिन अलहमदुल्ला पानी को
जोश है और पानी बहुत स्पीड है।